मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। लॉकडाउन पे पड़े शबे बारात पर कब्रिस्तानों पर रहा सन्नाटा। अधिकारियों ने लिया बंद कब्रिस्तानों का जायजा। लॉकडाउन के दौरान जहां देश की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं इस बीच शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपने पुरखों की कब्र गाहों पर फतेहा न पढ़ने की जिला एवं पुलिस की अपील को मानते हुए अपने घरों में रहना बेहतर समझा, जिसके चलते प्रयागराज के विभिन्न कब्रिस्तानों पर सन्नाटा छाया रहा। आइए सुनाते हैं अशोक कुमार कन्नौजिया, अपर जिला अधिकारी नगर ने इसके लिए क्या कहा। सिटी साथ में जनपद के विभिन्न जो भी कब्रिस्तान हैं जहाँ शबे बारात होती है, वहाँ पर हम लोग निरीक्षण किया और हम लोगों ने वहाँ लोगों से अपील भी की है और उनके धर्म गुरुओं के माध्यम से अपील करवाई भी गई है कि सभी लोग आज शबे बारात के दिन जो शाम को वहाँ पर रोशनी करते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों पर इबादत करें, पूजा पाठ करें और रोशनी करें। चूँकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और लोग घरों से ना निकले, अपने घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही अपील की जाती है लोगों से। सर एक चीज़ बता दी, प्रयागराज में अभी तक जो कोरोना के कितने केस आ गए, इस संबंध में ज़्यादा उचित होगा कि आप जो मेडिकल की टीम हमारी है, सीएमओ साहब है, उनसे बात करें। और इस बीच पुलिस अधीक्षक नगर, अपर जिलाधिकारी नगर, सिटी मजिस्ट्रेट और कई थानों की पुलिस ने अलग अलग कब्रिस्तानों में जाकर मौके की व्यवस्था देखी और गेटों का ताला बंद होने एवं मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात मानते हुए लोगों के कब्रिस्तान न पहुंचने पर संतोष जताया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों से लॉकडाउन के मद्देनजर घरों में ही रहने की अपील की और कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्लिम समाज घरों में रहकर फतेहा पढ़े। आइए सुनाते हैं ब्रजेश श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर ने इस बारे में क्या कहा। देखिए, अभी एडीएम सिटी साहब के साथ और स्थानीय थाने के साथ, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ हम लोगों ने कब्रिस्तानों का भ्रमण किया है। सभी जगह कब्रिस्तान के गेट बंद हैं, जैसा कि इनके धर्मगुरुओं ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील करी है कि लोग अपने घरों पर ही फातिया पढ़ें और वहीं अपने पूर्वजों की पूजा करें। इसका असर भी दिखाई दे रहा है और वहाँ जो भी लोग थे उनको बताया गया, जो जिनके पास गेट का ताला था उन्होंने बंद कर रखा था। ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरी अपील भी है अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए शबे बारात का जो भी पर्व है उसे अपने घरों पर ही मनाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब